दोस्तों कैसे हैं आप? देखिए कितने अच्छे बगीचे में हूँ मैं, और कमाल की स्पेशल जगह है, एक अस्पताल है, और यहाँ पे मेरे अजीजों मैंने देखा यहाँ पे लॉन्ड्री जो सुखाई जाती है इस हॉस्पिटल में तो इन तारों पे होती। देखिए ये जो तारे है ना, आइए मैं आपको नजदीकी से इन तारों को दिखाऊं कि मैंने एक बड़ी अजीब चीज देखी और मैंने जीवन का एक छोटा सा लेसन इन तारों से मैंने सीखा। उम्मीद करता हूं कि ये जो तार हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कपड़ों को सुखाते हैं वो, और जितनी भी लॉन्ड्री होती है हॉस्पिटल की, यहाँ पे जितने चादरें हैं, कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे साफ करके वो सुखाते हैं इन तारों पे जो मेरे पीछे हैं। और ये बड़ा अच्छा गार्डन है, बगीचा है, और यहाँ पे मेरे अजीज़ों एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए इन तारों पे ज़रा तवज्जो दें, देखें, गौर करें, और याद रखें शायद प्रभु की अजीम कृपा और अजीम दया के बदौलत आपके दिलों के तारों को शायद ये छू दे। आइए चलते हैं। तो देखा आपने ये जो छोटी छोटी बूंदें, हाँ जी छोटी छोटी जो बूंदें आपने देखी हैं मेरे अजीजों, ये वो बूंदें हैं जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि जिंदगी में जीवन की लाइफ लाइन पे, जीवन की लाइफ लाइन पे जैसे वो लाइन है, वो तार है, हम लोग वो सब बूंदें हैं मेरे अजीजों। वी आर दोस लिटिल लिटिल ड्रॉपलेट्स, द लिटिल बिट ऑफ दोस रेन ड्रॉप्स that are hanging on the lifeline of life. हम वो हैं जो जीवन की उस लाइन पे हम लोग लटके हुए हैं, पकड़ा रखा हमने। पर मेरे अजीजों कितने साल, बाइबल बताती हमें जो मूसा, जो प्रभु के बहुत जबरदस्त भक्त, भजन संहिता 90 में बताते हैं वो कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। सच्ची वो कहते हैं 70 साल, और अगर ताकत है तो 80 साल। हाँ जी, अगर ताकत है तो 80 साल। और दोस्तों कभी ना कभी तो हमारी आत्मा को, शरीर को छोड़ना पड़ेगा मेरे अजीजों। सच है दोस्तों, इट इज़ ट्रू, इट इज़ रियल, इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। कभी ना कभी उस लाइफ लाइन को आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो बूंद करके नीचे गिर जाएगी। दोस्तों जैसे जिंदगी चल रही है, कभी आपने इस बात पे तवज्जो किया है, सोचा है, विचार करा है कि भाई मेरा जीवन क्या है, अरे मेरा जीवन आखिर क्या है? कभी आपने अपने चश्मे को उतार के, ये देखिए जैसे मैं अपना चश्मा उतार रहा हूं, अपने चश्मे को उतार कर साफ किया है और एक बार फिर पहन के देखा है, और इस बात पर विचार किया है, सोचा है कि आखिर जीवन कितना छोटा है दोस्तों। हाँ, अरे देखिए, सुनिए, अभी जनवरी था, फिर फरवरी, फिर मार्च, और देखिए सितंबर आ गया। अरे ये दिन कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा, सुबह होती और शाम होती और रात हो जाती है, और इसी तरह जीवन चलते चला जा रहा है। जिंदगी के जद्दोजहद, जिंदगी के स्ट्रगल्स में हम इस तरह गिरफ्तार हो गए हैं। वी हैव बीन इम्प्रिजन्ड इन आर डेली डे टू डे लाइफ एंड रूटीन। दोस्तों भजन संहिता में दाऊद पूछता है, कौन है जो जिए और मौत को ना देखे? हु इज ही हु लिव्स एंड विल नॉट सी डेथ? कोई ऐसा है कि कोई मौत को ना देखे? असंभव, इम्पॉसिबल। बाइबल बताती है कि एक दिन है जिस दिन अपॉइंटेड है, इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई, एक ही बार मरना और उसके बाद परमेश्वर ने न्याय के लिए सब कुछ नियुक्त किया है। दोस्तों क्या अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आप तैयार हैं?
उस लाइफ लाइन पे जितना मर्जी ऐश कर लीजिए, जितना मर्जी खुशी कर ले, जितना मजा कर लो। पर दोस्तों हकीकत यह है, और हकीकत मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा। खुदा के कलाम में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और वो उदाहरण हम पढ़ते हैं। एक बहुत अमीर आदमी था, बहुत ही धनी इंसान था। बाइबल की रेफरेंस आपके नीचे आपको दिख रही होगी, लूका में एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है ये, और वो कहानी इस तरह है, एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण कहानी से एक आत्मिक सच्चाई हमारे सामने पेश करी है, जो बने आदम से लेकर अब तक एक हकीकत है दोस्तों, एक अमीर आदमी था, उसने कहा अरे बड़ा अच्छी उपज हुई है, बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा क्या है, बहुत अच्छी फसलें हुई हैं कहते हैं, और मेरे जो गोदाम है ना वो छोटे पड़ गए। वो कहते हैं दोस्तों ऐसे ही होता है, हम सोचते हैं घर बहुत छोटा पड़ गया यार, बच्चे बड़े हो गए, अरे हमारे पास पैसा आ गया है, हम और बड़े बड़े घर लें, बड़ा घर ले तो और बड़ा घर। फिर हम ये सोचते हैं कि भाई ऐसा है कि गाड़ी छोटी पड़ गई यार, बड़ी गाड़ी लेते हैं, ठीक है बड़ी गाड़ी ली, आप चाहते हो और बड़ी गाड़ी ले ली, फिर आप सोचते हो और बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे, और एक नहीं कई गाड़ियाँ चाहिए। दोस्तों वांट्स है ना हमारे कभी ख़त्म नहीं होते, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, हम जो और की तलाश में है ना, हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, ये जो प्यास है ना, लालच की जो प्यास है, और पानी की जो प्यास है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती मेरे अजीज़ों, कभी ख़त्म नहीं होती है। बाइबल में नीति वचन में लिखा है कई चीज़ें हैं जो कहती मुझे और चाहिए, गिव मी मोर, उनमें से एक कब्र भी है। सही सुना आपने, द ग्रेव सेज मोर एंड मोर। और दोस्तों कब्र में तो एक दिन जाना ही है, पर इस इंसान ने इस बात के बारे में सोचा नहीं, ना कभी तवज्जो किया। तो देखिए क्या करा उसने, उसने अपने पुराने गोदाम को नीचे गिराया। जैसे आजकल हम देख रहे हैं पुराने मकानों को लोग गिरा रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, कई मंजिला मकान बना लेते हैं लोग हैं बिल्डर्स को देखकर। तो उसने अपने बिल्डर को बुलाया होगा, और पुराने गोदाम जो पुराने हो गए छोटे थे उसको हटा के उसने बड़े बड़े गोदाम लगा दिए, बहुत बड़े बड़े, और खूब उपज हुई, खूब अच्छा हार्वेस्ट हुआ, और खूब उसने अनाज भर दिया, और उसने सोचा होगा कमाल हो गया ना, कितनी बड़ी बात होगी। तो उसने क्या करा, उसने शायद अपनी खिड़की को खोला होगा, सितारों को देखा होगा, और उसने सितारों को देखते हुए बोला होगा, ए मेरी जान खा पी और ऐश कर, ए मेरी जान खा पी और ऐश कर, ओ माई सोल ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। और उसी वक्त एक आवाज आई, ए मूर्ख आज रात ही तेरी आत्मा तुर से ली जाएगी, टुनाइट दाउ फूल, दाउ फूल, खुदा की आवाज आई उसको, ए मूर्ख आज रात ही तेरी आत्मा ली जाएगी। खुदावन यीशु मसीह ने कहा उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल। दोस्तों हम उस लाइफ लाइन में छोटे से पानी की बूंद की तरह है दोस्तों, इस पे आप विचार करें कि जीवन कभी भी छूट सकता है, निकल सकता है, हाथ से फिसल सकता है। इसलिए दाऊद बादशाह कहता है My times are in God's hand। दाऊद बादशाह कहता मेरा जो समय है, मेरा जीवन है, वो खुदा के हाथ में है। दोस्तों जैसे हम स्कूल जाते थे ना, एक टाइम टेबल था हमारे पास, वी हैड अ टाइम टेबल कि भाई इस टाइम ब्रेक होगा, इस टाइम हम ये करेंगे, हिस्ट्री साइंस मैथ्स। दोस्तों खुदा के पास भी एक आपकी लाइफ का टाइम टेबल है, सब कुछ उस टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है, और परमेश्वर आपको कई कई मौके दे रहा है रोज। आज भी एक मौका है कि उस लाइफ लाइन पे जहां आप लटके हुए, सारी दुनिया लटकी हुई है, everyone is on that lifelines and we are all those droplets, और हमें पता नहीं वो droplet कब गिर जाए, when that droplet drops no one knows, कब आपकी जिंदगी के आखिरी सांस है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल की धड़कन आखिरी कब है कोई नहीं जानता। दोस्तों
पर एक खुदा कहता है कि आज है समय, उस अमीर आदमी की तरह मत बनना। और उसी वक्त वो मर गया दोस्त, उसी वक्त उसकी दिल की धड़कन खत्म हुई, उसकी आत्मा शरीर से निकल गया और ढेर हो गया वहां पे। क्या करेगा उन गोदामों का, क्या करेगा उस बड़े बड़े आलीशान महलों का, उस सोना चांदी जो भी उसके पास था, सब यहीं का यहीं रह गया। यू ब्रॉट नथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड यू विल टेक नथिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए, इस दुनिया में हम कुछ लेकर नहीं आए और ना कुछ लेकर जाएंगे। पर एक चीज मेरे अजीजों, वन थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, योर सिंस विल फाइंड यू आउट ऑन दैट डे। याद रखें, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हारे पाप और मेरे पाप मुझे ढूंढ लेंगे। और दोस्तों, इससे मैं डरा। आपको ये सुन के कांपना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है मेरे अजीजों। में हाथ जोड़कर आपसे बात कर रहा हूं, आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरी बात पे तवज्जो दें। ये खुदा का कलाम है, ये मेरा एक नाचीज इंसान का कलाम नहीं है, पर ये वो कलाम है, ये परमेश्वर का कलाम है। ये जमीन और ये आसमान टल जाएंगे दोस्तों, और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा, not even a tittle will pass away, एक बिंदु भी नहीं बदलेगा। अगर खुदा जिसने पूरी कायनात को रचा, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सिंहासन पर विराजमान, वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन छोटा है, एक बुलबुले की तरह है हमारा जीवन। आप बाल्टी में पानी भरते ना, वो बुलबुले नहीं आते, थोड़ी देर पर खत्म। आपने कभी देखा है फैक्ट्री के चिमनी का स्मोक, वो धुआं जो निकलता है चिमनी का, वो थोड़ी देर के लिए धुआं रहता है और उसके बाद वो धुआं पता नहीं कहाँ घुल मिल जाता है, हवा में पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये बाइबल में लिखा है, हमारा जीवन एक घास के फूल की तरह है, छोटा सा फूल होता है वो। सुबह आप जब ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो फूल दिखता ही नहीं आपको, मुरझा के खत्म है बिल्कुल, इट इज़ ऑल फिनिश्ड। दोस्तों, हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, सच्ची कह रहा हूँ मैं, हमारा जीवन कुछ भी नहीं। अनंत काल के सामने दोस्तों, हमारा जीवन कुछ नहीं। 80 साल 90, एक हमारे बुजुर्ग अंकल हैं, 92 के हैं, उनकी याददाश्त भी जारी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए दुआ करते हैं हम। हमारे पिताजी भी 90 के आसपास थे, बेडरिडन हो गए थे वो, उनको एक स्ट्रोक हो गया था। हमारी मम्मी भी इस तरह से चली गई, 78 की उम्र थी उनकी। डैडी लगभग 90 के साल के थे। हमारी जो दादी थी, 99 की उम्र में प्रभु ने उनको बुला लिया। एक हमारे बहुत अजीज अंकल थे, वो 96 की उम्र में चले गए। दोस्तों, एक ना एक दिन तो बुलावा आएगा, एक ना एक दिन बुलावा तो ज़रूर आएगा मेरे अजीज़ों। इसलिए उस बुलावे के आने से पहले उस अमीर आदमी की तरह खाओगे, पियोगे, ऐश करोगे, ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा घर बनाइए, बच्चों को देखिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। आप बड़ी बड़ी डिग्रीज लें, अपने बड़े बड़े अवार्ड्स लें, बहुत बड़े इंसान बने, बहुत अच्छी बात है, बड़े गोदाम भी बनाइए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा भारी कारोबार हो, पूरी दुनिया में छा जाओ, कोई बात नहीं। पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज और ये सारी बातें तुझे मिल जाएंगी, ये परमेश्वर कह रहा है। सबसे पहले प्रभु को खोजो, सबसे पहले उसको अपनी जिंदगी में जगह दो। दोस्तों, कोई शांति नहीं है, देयर इज नो पीस, कोई शांति नहीं है परमेश्वर के अलावा, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, गोली खा के सोते हैं, चिंता लगी रहती है कि उनकी दौलत को कोई ना ले ले, उन पर टैक्स वाले ना आ जाएं, उनके ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चीज़ें चोरी ना हो जाएं। इनसिक्योरिटी इज मैन्स चीफेस्ट एनिमी, शेक्सपियर साहब ने बोला। जो आदमी डरता है ना, इनसिक्योर रहता है, अरे अरे कुछ हो ना जाए, डर लगा रहता है आपको, वो आपका दुश्मन है, आपका डर।
इनसिक्योरिटी। दोस्तों, इस अमीर आदमी ने सोचा नहीं, इसके पास कोई समय नहीं था परमेश्वर को समय देने के लिए। दोस्तों, सिकंदर आजम के बारे में तो आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहते हैं जब वो बहुत 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 बीमार हो गया और एक जहाज़ में वापस यूनान जा रहा था, ग्रीस जा रहा था, और उसको पता चल गया कि उसका समय हो गया, तो उसने अपने सिपे सलार और बड़े बड़े कमांडर इन चीफ्स को बुलाया। बहुत ज़बरदस्त बीमार हो गया था, बहुत ज़बरदस्त बीमार हो गया। वो यूनानी लोगों ने, हकीमों ने बहुत कोशिश करी, बड़ी कोशिश करी उन्होंने, बड़ी कोशिश करी कि बादशाह को किस तरह बचा लें, बादशाह को बचा लें। पर दोस्तों, आप इतिहास को जानते हैं और आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि क्या हुआ। और ये हुआ मेरे अजीज़ों कि सिकंदर आज़म ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पे कोशिश करी फतेह करने की, द वन वांटेड टू विन द वर्ल्ड एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, कुड नॉट सेव हिमसेल्फ, माय फ्रेंड्स, द वन हु वांटेड टू विन द वर्ल्ड एंड बिकम द मोनार्क ऑफ दिस वर्ल्ड, द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वो हैड एन एम्बिशन, जो इंडिया में आया। दोस्तों, दैट ग्रेट किंग, वो राजा सिकंदर आजम, उसकी आखिरी फरमाइश ये थी कि जब तुम मुझे लेकर जाओगे, मेरे शरीर को, मृत शरीर को, तो ऐसे कफन में डालना जिसमें छेद हों आगे, और मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, यूं करके दोनों हाथ ऐसे करके, ताकि दुनिया को मालूम चले कि सिकंदर ना इस दुनिया में कुछ लेकर आया, और आधी दुनिया को फतेह करने के बाद भी कुछ नहीं लेके जा रहा, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, आई एम गोइंग एम्प्टी हैंडेड। दोस्तों, ये सिकंदर बादशाह के आखिरी इच्छा है, और उसके हाथ उन्होंने बाहर कर दिए, और वो अपने देश पहुंचा, और पूरी दुनिया ने देखा कि वो सिकंदर इस नौजवानी में चला गया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ना कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाएंगे, परंतु किंतु चिंतु देखो, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम पापियों को बचाने के लिए। हम जो मूर्ख थे, मूर्ख, उस अमीर आदमी की तरह हम मूर्ख हैं, मूर्ख, हम बेवकूफ़ों के लिए, हम अज्ञानी लोगों के लिए, हम तुच्छ लोगों के लिए, हम गुनहगारों के लिए, वो पाक परमेश्वर, अति 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 पवित्र परमेश्वर, देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, मानव चोला पहना, उसने चरनी में पैदा हुआ एक कुंवारी के द्वारा, और वो आया आपको और मुझको बचाने, हाँ जी, आपको और मुझको बचाने के लिए वो आया। और क्या करा उसने, यीशु को मतलब उधार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, और वो आया हमारे गुनाहों के लिए, वो पाक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो मसा करके भेजा गया, जिसका नाम ही उद्धार करता है, उसने अपना बेशकीमत लहू आपके लिए और मेरे लिए बहा। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। दोस्तों, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा मेरे अजीजों, कहाँ मिलेगा कि कोई गुनहगारों से प्यार करे, हम जैसे तुच्छ लोगों से मोहब्बत करे। और याद रखें, पाप हमने किया, सजा उसने उठाई, और परमेश्वर का गजब, ही टुक अपॉन हिमसेल्फ द रात ऑफ गॉड, और वो जो परमेश्वर की गुस्से का कटोरा, उसने हर एक बूंद पी लिया उसमें से। दोस्तों, ये है प्यार, जब हम गुनहगार ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, कौन प्यार करेगा हमसे, कौन हम गुनहगारों को दोस्त बुलाएगा, कौन बोलेगा इससे बढ़ के मोहब्बत की और कोई इंतहा नहीं कि अब कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। दोस्तों, ये है प्यार, आपकी आत्मा को बचाने के लिए किसी और ने अपनी जान दी, वो मारा गया, वो दफनाया गया, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले हैं, ये उनका वादा है। दोस्तों, ऐसा ना हो कि एक दिन अचानक उस अमीर आदमी की तरह परमेश्वर आपको मूर्ख बुलाए और बोले आपके पास समय नहीं था, खा रहे हैं आप, पी रहे हैं, पर आपके पास खुदा के पास कोई समय नहीं है। कभी अपने आत्मा के बारे में सोचा है, कभी देखा है कि उस लाइफलाइन पे हूँ मैं, उस लाइफलाइन पे हूँ, और कभी भी वो बूंद गिर जाएगी, कभी भी जीवन ख़त्म हो जाएगा, आज ये समय, अनंत काल का जीवन मिल सकता है। परमेश्वर ने
इस जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, हाँ जी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 ये उसकी मोहब्बत है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर्स, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है कि उस लाइव लाइन पे नाचीज बूंदे हैं, एक जर्रे हैं उसके सामने, हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, फिर भी हमसे मोहब्बत करता है, फिर भी हमें बचाना चाहता है। ये इलाही मोहब्बत है, दिस इज डिवाइन एगेपे लव, सैक्रिफिशियल लव। दोस्तों आज उसको अपना दिल दे दीजिए और बोलिए, हे प्रभु, ओ मेरे खुदा, मेरे खुदावन, मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह मुझे माफ कर दे, मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से कि आप मेरे पापों के लिए खुद आप सूली पे मारे गए, आपने मेरी मृत्यु चखी, मेरी सजा अपने ऊपर ली, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आ रहे। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो मेरे खुदा, मेरे बचा लो, इससे पहले कि मेरी जिंदगी खत्म हो मैं आपको जानना चाहता हूँ और ये जीवन आपको सौंपता हूँ, मेरे हृदय में आ जाओ प्रभु, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु इस पापी पर दया करें। ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपके पाप क्षमा हो गए, आप बेवकूफ नहीं, आप मूर्ख नहीं है, अनंत जीवन मिल गया। अगर आंखें आज भी बंद हो जाएं तो हम अपने मुबारक खुदावन यीशु मसीह का मुबारक चेहरा, जलाली चेहरा देखेंगे। दोस्तों ये वसूख या अश्योरेंस आपके पास होना चाहिए कि एक खुदा है जो आपको बचाना चाहता है और आज आप उसके बेटे बन गए हैं, उसकी मोहब्बत और प्रेम को ग्रहण कर लिया है, उसके उद्धार को ग्रहण कर लिया आपने। दोस्तों अगर जिन्होंने ये नहीं किया, याद रखें जीवन उस लाइफ लाइन पर और बहुत जल्द ये हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपने परमेश्वर से मिलने के लिए? अगर नहीं तो आज पश्चाताप करके उसको ग्रहण कर और नई जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी पा लीजिए, जैसे मैंने पाया आप भी मिले। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दें।